अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए लगभग लगभग बहुमत जो है वो हासिल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। अब अगस्त में डेमोक्रेट्स नॉमिनेशन के लिए पहले राउंड की वोटिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि बाइडेन ने उन्हें समर्थन दिया है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने भी अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हैं। जानकारी के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अभी भी कई उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। कमला का को बहुमत पाना होगा इसके लिए। तो कमला हैरिस का क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना तय है? कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत है। 4000 में अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन कमला हैरिस को मिल चुका है। 1 से 7 अगस्त के बीच डेमोक्रेट्स नॉमिनेशन के लिए पहले राउंड की वोटिंग है। देखिए, 1 से 7 अगस्त के बीच पहले राउंड की वोटिंग होगी और उसके बाद बहुत हद तक स्थितियां जो हैं वो साफ हो जाएंगी। और वहीं कमला हैरिस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, आज रात मुझे हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक समर्थन अर्जित करने पर गर्व है। अगले कुछ महीनों में मैं देश भर में यात्रा करूंगी और अमेरिकियों से हर मुद्दे पर बात करूंगी। मैं पूरी तरह से हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को हराने का इरादा रखती हूँ। ये पोस्ट जो है वो कमला हैरिस की तरफ से किया गया है। बाकायदा उन्होंने कहा कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं अमेरिका के तमाम लोगों से मिलूंगी, यात्रा करूंगी, तमाम जगहों पर जाऊंगी और समझूंगी कि आखिरकार मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस चुनाव को आगे लड़ा जाए। Tell you all, it has been one of the greatest honors of my life, truly, to serve as vice president to our president Joe Biden. Joe's legacy of accomplishment, just over a lifetime, but just over the last 3.5 years, is unmatched in modern history. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who served 2 terms in office. Joe got the COVID-19 pandemic under control. Remember those days? He has created more than 15 million new jobs. He brought together Republicans and Democrats and passed historic legislation. And I'm going to tell you, I'm a firsthand witness to all this work. I would sit with Joe in the Oval Office while he would bring members of both sides of the aisle and talk and listen and help them see what they may have in common and how we can actually work towards solutions. And because of their confidence in Joe, these accomplishments occur. चलिए अब आपको बताते हैं कि कमला हैरिस कौन है। पूरा नाम कमला देवी हैरिस। 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्म लिया। पिता डोनाल्ड हैरिस, मां श्यामा गोपालन। 2009 में मां का निधन हो गया। पति का नाम डगलस एम हॉफ। 1986 में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1989 में हेस्टिंग्स कॉलेज में लॉ किया। 1990 से 1998 ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही। 2003 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी। 2010 में अटॉर्नी जनरल बनी। 2011 से 2021 तक कैलिफोर्निया की जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट रही। जनवरी 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। तो कमला हैरिस के बारे में हमने आपको बताया कि आखिरकार कमला हैरिस कौन है। इसके साथ ही अब बहुत हद तक जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं डेमोक्रेटिक पार्टी में चल रही हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 1 से 7 अगस्त के बीच तस्वीर जो है वो कैंडिडेट को लेकर पूरी साफ हो जाएगी। सवाल है कि क्या ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी कमला हैरिस? इस रिपोर्ट में देखिए। बाइडेन के हटने से बदलेगा अमेरिकी चुनाव। क्या ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी कमला हैरिस?
अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप मारेंगे बाजी। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी राजनीति में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पहले ट्रंप पर एक कातिलाना हमला और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करना। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है। हालांकि अभी कमला के नाम पर पार्टी की मोहर लगना बाकी है। अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन ली जाती हैं, तब रिपब्लिकन पार्टी के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। जो बाइडेन ने 2020 में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुना था। कमला उम्र में बाइडेन से काफी छोटी हैं, विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक वोटर्स से लेकर महिलाओं तक में उनकी पैठ है। ये चार वजहों से जो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बेस्ट उम्मीदवार बनाती हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। उन्हें युवा नेतृत्व से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महारत हासिल है। ट्रंप से क्यों बेहतर कमला हैरिस? कमला बाइडेन और ट्रंप से उम्र में छोटी हैं। युवाओं के बीच कमला हैरिस लोकप्रिय हैं। हिंसा, गर्भपात जैसे मुद्दों पर स्पष्ट राय रखना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने का एक्सपीरियंस, ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने में माहिर। अब आपको बताते हैं कि कमला के खिलाफ कौन सी चीजें जा सकती हैं। कमला के खिलाफ क्या होगा? राष्ट्रपति चुनाव में 3 महीने का समय बचा है। 3 महीने में मतदाताओं को एकजुट करना मुश्किल। 3 महीनों में ट्रंप के खिलाफ जमीन तैयार आसान नहीं। ट्रंप के सामने खुद को मजबूती से रख पाना मुश्किल। अवैध प्रवासियों के संकट से निपटने की जिम्मेदारी, ट्रंप कमला को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। अब तक जो मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच माना जा रहा था, अब वो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच होगा। ऐसे में हमें भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई छोटे राजनेता नहीं है। कमला हैरिस के लिए 3 महीने में मतदाताओं को एकजुट करना और अपनी पार्टी को जीत दिलाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।